हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपके सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक, बट उसके साथ साथ मैं एडिशनली ये भी बोलूंगी कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ एज वेल एज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। उसके साथ साथ ये भी करेंगे कि आपको क्या जानने की जरूरत है। सो इट्स अ कॉम्बो रीडिंग, ठीक है? सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं आ सकती है आपके जीवन में, कौन आ सकते हैं, वो कौन हो सकते हैं, क्या आपको गुड न्यूज मिल सकता है। सो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन होगा। लास्ट तक रीडिंग को प्लीज देखिए, और ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी विल स्टार्ट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जिंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं? मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस क्यों हो रहा है पता नहीं, शायद आपके घर में कोई बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरी तरह से यहाँ पे जो शेप आ रहा है ना, नाक, कान और यहाँ पे जो आईज है, ये कोई बुजुर्ग इंसान की, ठीक है, मुझे यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि हो सकता है कि ये बुजुर्ग इंसान, ठीक है, आपके ग्रैंड मदर हो सकता है, आपकी दादी हो, नानी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे लग रहा है, इनके उपदेश जो है, इनकी जो एडवाइसेस है, शायद आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपके मॉम या आपके डैड भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, आई कैन फील दैट। दूसरा चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है पाइशिस, मतलब मीन राशि, ठीक है। सो मीन राशि तो मैं बोल सकती हूँ द मून कार्ड जनरली होता है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स जो डील होता है वो है मून से, ठीक है, चंद्रमा से। सो ये हो सकता है कुछ ही समय के बाद हो सकता है कि आपके मन थोड़ा सा विचलित करे, या आपके मन थोड़ा सा विचलित हो अभी इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपको आउल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि आउल्स का यहाँ पे मुझे यहाँ पे सिंबल मिल रहा है। आदर हो सकता है ये जो चीज़ है, मे बी इट इज़ लाइक दैट कि मे बी इट इज़ फॉर्मिंग लाइक दैट कि हो सकता है कि आपको और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, या आपको अपने काम में या अपने पढ़ाई में और भी ध्यान देने चाहिए। ओके, सो आई कैन फाइंड द साइंस ऑफ वर्गो ओवर हियर ऑल्सो। कन्या राशि का भी यहाँ पे प्रतीक मुझे मिल रहा है। ओके गाइस, यू लेटर इज वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे एक राइनोसरस आ रहा है, यहाँ पे जो है ना एक राइनोसरस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से राइनो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचर वाइज, ठीक है, और उनके जो स्किन होते हैं ना, चाहे उनको बुलेट भी मारो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं पे ये उपदेश आपके लिए ज़रूर आ रहा है कि चाहे सोसाइटी वाले, चाहे समाज, चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, आप अगर फील करते हो कि वो सही है तो यहाँ पे आपको उसके लिए कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे वी शेप या यू शेप दिखाई दे रहा है, तो किसी के साथ आपका मिलन होने वाला है। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सो सकता है कि यहाँ पे थ्री भी आ रहा है। ओके, क्वेश्चन मार्क इसलिए है, हो सकता है कि आप अभी भी डाउट कर रहे हो या इनसिक्योरिटी से आप सफ़र कर रहे हो, आपको लग रहा है कि दुनिया में जो जो चीज़ मेरा है
वो क्या मुझे मिलके रहेगा? आपको शायद बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स भी आते हैं। उस सपने को देखने के बाद आप शायद, और भी हो सकता है कि बीच में ही सुबह सुबह आपको पसीना पसीना हो जाता है, वो सपने को ध्यान से आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है वो कोई चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, सो आई कैन फील इट लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे, जस्ट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा। इट्स अ टेन ऑफ वैंड्स कार्ड लाइक एनर्जी, कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यू आर लिटरली मतलब बिजी इन योर लाइफ, फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्स ले रहे हो, बर्डन ले रहे हो। मे बी आपको कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है या उस चीज़ का डेडलाइन आ चुका है, आप वरीड हो, ठीक है, बट आपको कोई परेशानी, ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना है, इतना डीप नहीं सोचना है, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें होते हैं जो कुदरत ने ऑलरेडी प्री डिटरमाइन करके रखे हैं, और कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन आपके तरफ आ रहे हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, आपके तरफ मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, यहाँ पे जो भी आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब करते हैं। वाइट कॉलर जॉब करने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जॉब, या वेरी मच यू कैन से जो भी लिटरेट पीपल होते हैं या एजुकेटेड लोग होते हैं, उस तरह का जॉब वो डेफिनेटली करते हैं, वाइट कॉलर जॉब। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे बताने क्यों महसूस हुआ, वाइट कॉलर जॉब ही मैंने क्यों बताया, ठीक है, शायद इनके खानदान में यही वाइट कॉलर जॉब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सबसे बेस्ट वाला चीज़ यही करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो भी होंगे, मुझे लग रहा है उनके पास इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, इनके पास इतना ज़्यादा ऑरा होगा, पॉजिटिव ऑरा, कि कोई भी लोग इनके सामने आए ना, इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग कैंडल्स नज़र में आ रहा है, जो छोटा छोटा दिया होता है ना, ठीक है, उस तरह से, जिस तरह से टी लाइट्स होते हैं, मुझे लग रहा है ये सारे चीज़ इंडिकेशन यही करते हैं कि आपके यहाँ पे एक पाई, देखो फिश भी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे फिश भी फॉर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये सारे चीज़ यही इंडिकेट करते हैं कि आपके ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि ठीक है, मैं पहले पैसा इतना ज़्यादा रोज़गार नहीं कर पाता था या नहीं कर पाती थी, अभी मेरा दिन आ रहा है, मैं धीरे धीरे उसके तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मुझे जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिल ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। आपके पर्सन जो आपके तरफ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं वाइट कैंडल में से ब्लू ब्लू क्यों निकल रहा है। ब्लू इंडिकेट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन आल्सो, एंड ब्लू आप देखो कितना अजीब है, वाइट कैंडल है ऊपर से ब्लू ब्लू यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे एक थर्टीन यहाँ पे आ रहा है। ओ माई गॉड, 13 इज द नंबर फॉर द डेथ कार्ड, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इस इंसान के आने से। आप पहले जो घुटन महसूस करते थे, सफोकेशन हुआ करता था, दम घुटता था, ठीक है, कोई जगह पे रहने से भी हो सकता है कि एक ही जगह पे रहने से आपका दम घुटता था, वो सब कुछ चीज़ आपके ज़िंदगी से निकलने वाला है। मैं बोलने से मजबूर हो रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एक धर्म का रिलीजियस चीज़ भी देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिंदुइज़्म में, ठीक है, बॉडी को क्रिमेशन किया जाता है, मतलब उनको आग के अंदर, ठीक है, दिया जाता है, सो कहीं ना कहीं पे मतलब क्या है, वो बॉडी डिस्ट्रैक्शन तो हो जाती है लेकिन आत्मा ही नहीं होती है। फिर आत्मा क्या करती है, फिर से एक नया जन्म ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कब्र के नीचे दफना भी दिया जाता है, कॉफिन के नीचे दफना भी दिया जाता है, तो बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड बट द सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
तो लोग ऐसा हो सकता है कि आपको, ठीक है, आपके अगेंस्ट में रूमर्स फैलाने की कोशिश करें ताकि आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑक्टोपस की एनर्जी दिखाई दे रहा है जो एक बेबी को पकड़ रही है। ऑक्टोपस जैसा कोई इंसान की मेंटेलिटी हो सकती है, भले ही वह एक स्पिरिचुअल चीज़ को ही इंडिकेट करती है, लेकिन सब कुछ निर्धारित है। आप अगर बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो मासूम हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी निर्धारित है ये चीज़ होगा, ठीक है, कुछ लोगों के साथ। तो आपको थोड़ा सा क्या है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसलिए आज का रीडिंग मैंने क्या रखा है, ऑल्सो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। आप इस ट्रॉफी को पाना चाहते हो तो लोग कैसे छोड़ेंगे, अपनी जगह पर नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे ना, आपके अगेंस्ट में जाके पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे, नेपोटिज्म करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, फिर आपको ठेस पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ऐसे जिंदगी में ऐसे साथी मिलेगा ज़रूर, ठीक है, जो आपको समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, आपके मनोभाव समझेंगे, तभी जाके वो आपके साथ रिश्ता फिक्स होगा। वो आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि कमिटमेंट देके भाग जाएंगे, नो। एवरीवन हैज़ द डिज़ायर्ड सोलमेट इन देयर लाइफ। कुछ सोलमेट्स होते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, और कुछ सोलमेट होते हैं हमारी ज़िंदगी में साथ रहने वाले के लिए। लेकिन अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन है तो इट्स नॉट गारंटीड कि वो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। वो हो सकता है अगर बंदा या बंदी जो भी है, जिनके साथ भी आपका संबंध है, वो खुद से चेंज होने की कोशिश करें, तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन मेरी जिंदगी में आए। वेरी गुड, ओके, यू कैन मैनिफेस्ट सम अदर पर्सन ऑल्सो, बिकॉज हमारे जिंदगी में ना, ठीक है, सोलमेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक नहीं होता है सोलमेट। सो लेट मी सी एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू। जिस वक्त हो सकता है आप इस रीडिंग को देखो, मे बी 7 से 8 बजे, हो सकता है सुबह को या रात को, देखो लेट गो, देखो, देखा यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही है लेट गो। जितना भी पास्ट में सिचुएशंस क्रिटिकल हुए हैं, शायद आपके बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको जाने दो भाई, अरे यार मिट्टी डालो, ठीक है, और जो एनर्जीज है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, ऊर्जा है, उसको लेने की कोशिश करें, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, लुक फॉर अ साइन। देखो आपको कुछ ना कुछ साइन सिंबल्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपने अगर बिजली भी कड़कते हुए देख लिया, तभी वो एक साइन हो सकता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है कि अभी से लेके एक साल के अंदर, ठीक है, सब कुछ सुलह हो जाए, बिकॉज आई कैन फाइंड द वर्ल्ड ओवर हियर। मुझे यहाँ पे एक पृथ्वी नजर आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। यूनियन ऑफ द हार्ट, द वर्ल्ड कार्ड क्या बताते हैं, एंडिंग्स एंड अगेन अ बिगिनिंग। क्योंकि हर एक चीज जिंदगी में इस तरह से होते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी चीज डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो वाला थ्योरी साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, और यू कैन से दैट इट कैन बी डेमोलिश्ड, बट येस इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अनदर। एक फिजिक्स का लॉ है कि एनर्जी, ऊर्जा जो है, उसको कभी भी वो बिल्कुल उसको वैनिश नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी से लेके दूसरा बॉडी तक, एक सिचुएशन से लेके दूसरा सिचुएशन। नो नीड टू वरी, आप क्यों टेंशन ले, मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डोंट नीड टू वरी अबाउट, बी एसर्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, एंड नॉट द राइट टाइम। अगर आप बोल रहे हो कि अभी क्यों नहीं हो रहा है मैम, क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, इट्स नॉट द राइट टाइम, सही समय नहीं है। अगर जल्दबाजी करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैप में आ सकते हो आप, किसी ऐसे पर्सन का जो ऑक्टोपस के जैसा है, आपको पूरी तरह से जकड़ लेगा और पकड़ लेगा, ठीक है, और आपको फॉल्स कमिटमेंट दे के आपके साथ नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ और मैं बोल लूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर दिखा मैं वहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो, सिक्स फैक्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अलॉट एंड टेक केयर।